आई एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है AIA इंजीनियरिंग को लेकर। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अमरीश बताइए क्या है बड़ी खबर। सर खबर यह है कि ग्राइंडिंग मशीन बॉल्स को लेकर एक समीक्षा जांच शुरू की थी, जिसकी अर्जी दी थी AIA इंजीनियरिंग और बेलकास्ट स्टील ने, और ये समीक्षा जांच DGTR ने पूरी कर ली है और उसमें थाईलैंड और चाइना दोनों से ही इंपोर्ट को लेकर जांच शुरू की गई थी और ये पाया गया कि 10 साल ये ड्यूटी जो है 10 साल पहले लगाई भी गई थी और 10 साल बाद अब जाकर ये DGTR ने सिफारिश की है कि चाइना से तो नहीं लेकिन थाईलैंड से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को जारी रखने की जरूरत है और ये ड्यूटी जो है अगले 5 साल के लिए जारी हो, इस तरह की सिफारिश की है। और जो ड्यूटी का रेट रखा है वो है $158.80 पर मीट्रिक टन से $187 पर मीट्रिक टन तक। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो खतरा है घरेलू इंडस्ट्री को वो थाईलैंड से इंपोर्ट पे था और इसलिए इसको ही सिफारिश की गई है। हालांकि चाइना पे सिफारिश अभी नहीं की गई लेकिन ये जरूर कहा गया कि चाइना वाले जो टर्म्स हैं उनको हम अभी और नोटिस कर रहे हैं, अभी और उनकी स्टडी करना जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है इसके AIA इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि इनकी ही अर्जी थी और ये देश में इसके सबसे बड़े निर्माता के तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये जो खबर है वो जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है कि जितने भी हमारे लिस्टेड सीमेंट स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट ही करते हैं और इस रिपोर्ट में उनका नाम भी सबका लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर AIA इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी खबर है, इसको देखा जा सकता है। AIA इंजीनियरिंग इस कंपनी के लिए अच्छी खबर। थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये लगाई गई है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। इसके